तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। उनके भी नाम सामने आए, तो आगे चलकर ऐसा होगा क्या कि आपकी आपको जिसने फंडिंग किया है उनको भी सीबीआई ईडी से फिर से टारगेट किया जाए? हो सकता है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा।